दोस्तों अगरवा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर Redmi Note 5 Pro में बिल्कुल लेटेस्ट फ्रेश यहां पे अपडेट करने वाला हूं MIUI 9, और ये भी आपको बताऊंगा कि MIUI 10 आप किस तरह से अपडेट कर पाएंगे Redmi Note 5 Pro के अंदर। अगर दोस्तों जानना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि दोस्तों इसी चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल लाइव में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपडेट कर पाएंगे Redmi Note 5 Pro के अंदर। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं ताकि आप भी कर सकते हैं। तो मैं कर लेता हूं वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है सितारे और आप देख रहे हैं होगाटोगा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले क्या कीजिएगा, अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना होगा। अपने मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद अबाउट में जाएंगे और सिस्टम अपडेट में जाना होगा। सिस्टम अपडेट में जाने के बाद यहाँ पे देख रहे 1.7 GB का यहाँ पे अपडेट आया है और यहाँ पे लिखा हुआ MIUI V9.2.30.0 यहाँ पे वर्जन यहाँ पे अपडेट आया है, और यहाँ पे इंक्लूड किया गया फेस अनलॉक, और ये बड़ा ही कमाल की यहाँ पे अपडेट आया है। तो आपको इसी तरह से आप अपडेट करना है आपको मोबाइल के अंदर Redmi Note 5 Pro के अंदर। अगर दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर नहीं आता है अपडेट MIUI 9, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आएगा। उसके साथ ही साथ दोस्तों आप लेटेस्ट वर्जन अपडेट करना चाहते हैं MIUI 10, तो वो भी मैं आपको बताने वाला इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, ये वीडियो को देखते रहें। तो सबसे पहले इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ MIUI 9.2 को। तो यहाँ पे आपको रिबूट करना होगा। तो यहाँ में मैंने पहले ही और डाउनलोड करके रखा था, 1.7 GB का था, मैंने पहले ही आप डाउनलोड कर लिया था। तो मैंने यहाँ पे रिबूट कर रहा हूँ, यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। तो यहाँ पे बंद हो गया मोबाइल। बंद होने के बाद यहाँ पे कुछ समय लग सकता है मोबाइल को यहाँ पे इंस्टॉल होने में, तो यहाँ पे इंस्टॉल होने देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अपडेटिंग स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे देख रहे हैं रिबूटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बैटरी कम से कम तो आपको 30% से ज़्यादा रहना चाहिए, वो आप लोग तो पता ही है। तो यहाँ पे काफ़ी समय लग सकता है, कम से कम तो 10 या 15 मिनट लग सकता है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद फिर से यहाँ पे मोबाइल देख रहे हैं ऑन हो रहा है, तो इसको होने देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि एंड्रॉयड यहाँ पे लेके आ चुका वाई 9। अपडेट करने के बाद यहाँ पे किस तरह से आपको लुक दिखता है, और दोस्तों ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप MIUI 10 कैसे अपडेट कर पाएंगे। तो दोस्तों फाइनली देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट हो चुका है MIUI 9, फाइनली यहाँ पे अपडेट हो चुका। तो चलिए यहाँ पे पैटर्न लॉक यहाँ पे डाल देता हूँ, तो यहाँ पे ओपन कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अपडेट हो चुका है कम्प्लीट। तो चलिए लेके जाता हूँ सेटिंग के अंदर। सेटिंग में जाने के अबाउट में जाता हूँ और यहाँ पे लेके जाता हूँ सिस्टम अपडेट में। तो सिस्टम अपडेट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे चेकिंग हो रहा है, तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ वर्जन की, यहाँ पे कौन सा वर्जन यहाँ पे अपडेट हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे MIUI 9.2.30.0 यहाँ पे वर्जन अपडेट हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ पे अपडेट हो गया है। उसके बाद चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ फीचर इंक्लूड किया गया। तो दोस्तों इसे अपडेट करने के बाद यहाँ पे आपको इंक्लूड किया गया वो फेस लॉक अनलॉक यहाँ पे अपडेट किया था, क्योंकि दोस्तों आपको जब भी मिलेगा ये मोबाइल को बाय करेंगे तो आपको फेस अनलॉक नहीं मिलेगा, सबसे पहले आपको अपडेट आएगा तभी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे फेस लॉक पे जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे फेस लॉक आप डाल लीजिए। तो डालने के बाद आप फेस लॉक आप यहाँ पे मिल जाएगा। तो बस यही फीचर आपको मिलता है, और बहुत सारे ऐसे फीचर को इंक्लूड किया गया है जो यहाँ पे आप देख वेख कर सकते हैं। इसको नोटिफिकेशन में जाता हूँ तो नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से आपको मिलता है। तो यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो ये बहुत ही कमाल की है अपडेट, और बहुत सारा चीज इसमें बग को फिक्स किया है। और दोस्तों रही बात की MIUI 10 आप किस तरह से अपडेट कर पाएंगे, दोस्तों ये मेरा Redmi Note 5 Pro है और मैं आपको बताऊंगा 2-3 दिन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप MIUI 10 को अपडेट कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस फोन का मैंने पहले बूट अनलॉकर मैंने दिया हूं, अप्लाई किया हूं, Xiaomi जैसे ही अप्रूव करता है उसी तरह से मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों बहुत ही इजी स्टेप है, मैं आपको काफी इजी स्टेप बताऊंगा, उसके बाद आप ऑटोमेटिक कर लेंगे आप MIUI 10, वो भी काफी अच्छी तरह से कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों वेट कीजिए, आप 2-3 दिन वेट कीजिए, मैं आपको MIUI 10 को अपडेट करने वाला हूं। तो दोस्तों ये इस वीडियो को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले ये इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए ध्यान रखिए दोस्तों, टेक केयर एंड गुड बाय।